अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकिंग विद ज़ैनब में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज आपको मैंने रेसिपी देनी है बकरे की सिरी की। सिरी को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए इसको सबसे पहले तो मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, लहसुन डाला और नमक डाला, हल्दी डाली, मोटी इलायची डाली और दो तीन लौंग डाले और इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, तीन अदद मैंने प्याज लिया, ये तीन अदद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी। टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लूँगी। और ये आप देख सकते हैं जो मसाले इसमें जाएंगे, एक चम्मच मैंने सूखी मिर्च ली, आधा चम्मच हल्दी ली, आधा चम्मच मैंने नमक लिया क्योंकि नमक मैंने बॉयल करते हुए भी डाल दिया था। और ये मिक्स मसाला है, कुटी लाल मिर्च है इसमें और मेथी है और सफ़ेद ज़ीरा है। बस ये तीन चीज़ें हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड करेंगे, प्याज का कलर हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जी नाज़रीन, देख सकते हैं प्याज इस तरीके से इतना सा हमने ब्राउन करना है। इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इतना सा मैंने बचा लेना है, तकरीबन एक चम्मच। तो दो तीन मिनट मैंने फ्राई करना है इसी में। अब नाज़रीन मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट इसको दम पे रख देना है ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमारा प्याज है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। फ्लेम को हम तेज करेंगे, मसाले ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना अच्छा मसाला बनेगा इतनी अच्छी डिश तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें एक गोश्त ऐड करना है। ये हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लूंगी और फिर जो इसका यखनी का पानी है ये इसमें ऐड करूंगी। अब मैं लहसुन जो बचा कर रखा था उसकी बुनाई के दौरान मैंने ऐड करना है। बहुत अच्छे से ये बुन ली है हमने इसको, हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली। अब हमने इसमें ये जो सूप है यही ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की रेसिपी है नाज़रीन, इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देख सकते हैं छोटी छोटी ये जो हड्डियाँ रह जाती हैं पीछे, हम इनको नहीं डालेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको अब पकने के लिए रख दिया। जी नाज़रीन, चलो से आप देख सकते हैं सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लेम को बंद करना है और डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, देख सकते हैं रेसिपी हमारी तैयार हो गई है और मैंने डिश आउट कर लिया इसे। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।